दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक अगर आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और ट्रेन जैसे ट्रेडिशनल वाहनों में सफर करके बोर हो चुके हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मॉडर्न व्हीकल्स की लिस्ट लेकर आए हैं जो भविष्य में आपके सफर को मजेदार बना देंगी और आपकी बोरिंग लाइफ खत्म कर देंगी। इन वाहनों की सहायता से आप कहीं भी कभी भी सफर कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला वाहन है उसका नाम है मेंट्रा हाइड्रोफॉलर XC1। आपने जमीन पर साइकिलिंग का मजा तो जरूर लिया होगा, लेकिन ये बाइक आपको पानी पर साइकिलिंग का एक्सपीरियंस देती है। इस वाटर इलेक्ट्रिक बाइक को बाइसिकल डिजाइनर रॉबर्ट एलोंसो ने डिजाइन किया है। इस इलेक्ट्रिक बाइक की मदद से आप नदियों, झीलों और महासागरों में सवारी का आनंद उठा सकते हैं। हाइड्रोफॉलर XC1 में अंडर वाटर विंग्स और इलेक्ट्रिक असिस्टेंट टॉर्सन पैडल फिटेड है जो इसे पानी पर चलने में मदद करते हैं। इसमें 70 सेल लिथियम आयन बैटरी भी है जो एक घंटे का राइडिंग टाइम बैकअप देती है। इस बाइक के हैंडल बार पर एक हेड अप डिस्प्ले भी लगाई गई है जो राइडर को बची हुई बैटरी का इन्फॉर्मेशन देती है। साथ ही इसमें 400 वॉट की एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी हुई है। इसकी बॉडी को स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इमरजेंसी के लिए इसमें लाइफ जैकेट के साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइस भी लगाए गए हैं। लेकिन इस खूबसूरत बाइक की सवारी का मजा लेने के लिए आपका वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका डिजाइन इतना हल्का है कि अगर आपका वजन 70-90 किलो से ज्यादा है तो आप इस इलेक्ट्रिक वाटर बाइक की राइडिंग का मजा नहीं ले सकते। इस बाइक की सबसे खास बात ये है दोस्तों कि आप इसे फोल्ड करके अपने कार के ट्रंक में कैरी भी कर सकते हैं। बाजार में इस बाइक की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। नंबर दो पर है आर्का होवरबोर्ड। अगर आप उड़ने की इच्छा रखते हैं तो आर्का होवरबोर्ड आपके लिए परफेक्ट है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्यूचर से आया गैजेट लगता है। इसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी उड़ान भर सकते हैं। इस फ्लाइंग बोर्ड को आर्का कंपनी ने बनाया है। इसमें 36 हाई पावर इलेक्ट्रिक फैंस लगे हैं जो इसे उड़ने के लिए 272 हॉर्स पावर की शक्ति देते हैं। साथ ही आर्का होवरबोर्ड में एक स्टेबलाइजेशन यूनिट भी लगा है जो इसे सुरक्षित उड़ान भरने के योग्य बनाता है। इस फ्लाइंग व्हीकल को आप अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर थ्री, जेट फॉयलर। जेट फॉयलर एक वाटरक्राफ्ट बोर्ड है जिसे फेमस डिजाइनर जॉन मेंटागु और उनकी टीम ने सर्फबोर्ड और हाइड्रोफॉयल की तकनीक को मिलाकर डेवलप किया है। इसमें सबमरीन तकनीक के विंग्स लगे हैं जो राइडर को वाटर सरफेस के ऊपर उड़ने के लायक बनाते हैं। इस वाटरक्राफ्ट बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे हर कोई चला सकता है और राइडिंग के समय रिमोट की सहायता से इसकी स्पीड को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड है जो बिना किसी भी नॉइज के राइडर को वाटर सरफेस पर ट्रेवल का मजा देती है। नंबर फोर, क्लाइंबिंग व्हीलचेयर। इस स्टेयर क्लाइंबिंग व्हीलचेयर को ज्यूरिख के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के 10 छात्रों की टीम ने मिलकर डेवलप किया है। टीम के इस अनोखे वाहन को डिसेबल्ड लोगों के लिए डेवलप किया गया है। ये व्हीलचेयर बिजली से चलती है। जमीन पर चलते समय ये दो पहियों पर संतुलन बनाती है। सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने या बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए इसमें एक ट्रैक भी बना हुआ है। इस ट्रैक की सहायता से राइडर बड़ी ही आसानी से सीढ़ियां चढ़ या उतर सकता है, जिसके लिए बस राइडर को एक बटन प्रेस करना होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके एक वर्जन पर राइडर आइस यानी बर्फ पर भी बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेवल कर सकता है। नंबर फाइव, सोलो व्हील आयोटा। ये एक मिनी पर्सनल ई व्हीकल है जिसे किकस्टार्टर ने डेवलप किया है। वजन में हल्का होने के कारण भीड़भाड़ या ट्रैफिक वाले इलाकों के लिए ये डिवाइस बेहद ही उपयोगी है। इस ई व्हीकल का वजन 3.6 किलोग्राम है और इसमें 1000 वॉट की मोटर के साथ साथ 100 mAh की बैटरी भी लगी हुई है। ये 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसे कहीं भी बड़ी ही आसानी से कैरी भी किया जा सकता है। अगर इस डिवाइस को आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसे $445 में खरीद सकते हैं। नंबर सिक्स, पोर्टेबल वॉक कार। वॉक कार चार पहियों वाला पोर्टेबल मिनी डिवाइस है जिसे जापानीज इंजीनियर कुनिको ने बनाया है। इस डिवाइस की बॉडी एल्युमिनियम की बनी है जो दिखने में बिल्कुल ही एक लैपटॉप जैसा लगता है। इस डिवाइस की अधिकतम स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 से 3 किलो वजन की ये वॉक कार 120 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम है। ये बैटरी से चलती है जिसे फुल चार्ज कर आप आसानी से 17 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। नंबर सेवन, एडवर्ड डाइवी। ये व्हीकल ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के छात्रों की एक टीम ने मिलकर बनाया है जिसे एक डाइव्हील के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये साइंस फिक्शन फिल्म के व्हीकल की तरह लगता है, पर ये रियल है। इसके पहियों में मोटर्स लगी हैं जो स्पिन और रोटेशन में राइडर की मदद करती हैं। इन मोटर्स को जॉयस्टिक की मदद से कंट्रोल किया जाता है। नंबर एट, क्वाड्रो 4। हमने दो पहिए वाले स्कूटर तो बहुत देखे हैं,
लेकिन अब मार्केट में चार पहियों वाला स्कूटर आ गया है और इस चार पहिए वाले स्कूटर को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्वाड्रो ने तैयार किया है। ये स्कूटर शानदार लुक से लैस है, तकनीक ऐसी कि होश उड़ जाए। इस स्कूटर में मॉडर्न हाइड्रोलिक टिल्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से राइडर इसे सफर के दौरान कहीं भी आसानी से मोड़ सकता है। इसमें 399 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन फिटेड है, जो 32.5 हॉर्स पावर की दमदार पावर और 38.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर में ऑटोमेटिक CVT गियरबॉक्स का इस्तेमाल भी किया गया है। इस स्कूटर का सिटिंग अरेंजमेंट भी बेहद शानदार है। इसमें फ्रंट पैनल लगा है जो राइडर के पैरों को पूरी तरह से कवर करता है। कंपनी ने इस स्कूटर की कीमत 9 लाख रुपए रखी है। नंबर 9, आयोनिक स्कूटर। इस स्कूटर को ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने डिजाइन किया है। ये एक पोर्टेबल स्कूटर है जिसे आप अपनी कार में आसानी से कैरी कर सकते हैं। ये स्कूटर बैटरी से चलता है। इसकी स्टीयरिंग पर एक डिस्प्ले भी लगा है जो रोड पर इसकी स्पीड और बैटरी की सूचना प्रदान करता है। इस स्कूटर की मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और फैक्ट्रीज में काफी कारगर साबित हो सकता है। नंबर 10, फॉक्सवैगन होवर कार। ये एक फ्यूचरिस्टिक 2-सीटर फ्लाइंग कार है जिसे फॉक्सवैगन ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। भविष्य में ये कार स्पेशल मैग्नेटिक रोड पर चलती हुई दिख सकती है, जिसके लिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर डिजाइन किया जा रहा है। इस कार को जॉयस्टिक से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। एक्सीडेंट से बचने के लिए इसे ऑटोमेटिक एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम से लैस किया जा रहा है। फॉक्सवैगन की ये होवर कार भविष्य के ट्रांसपोर्ट की एक झलक हमें दिखाती है। तो दोस्तों, आपको इन 10 अनयूजुअल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में से क्या लगा सबसे खास और क्या है वो जिसकी सवारी आप खुद करना चाहेंगे, नीचे बताएं हमें कमेंट्स में जरूर। तब तक अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।